हेलो गाइस, इस वर्ल्ड में कई सारे ऐसे अमेजिंग फैक्ट हैं जिनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। कई लोगों ने तो इन अमेजिंग फैक्ट के बारे में सुना भी नहीं होगा और ना ही सोचा होगा। गाइस, ताजमहल तो आप सभी लोग घूमे होंगे, देखा भी होगा, लेकिन ताजमहल से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बना होगा? क्योंकि उस समय सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था। हम आपको बता दें, उस समय पत्थरों को जोड़ने के लिए एक पेस्ट तैयार किया जाता था। पेस्ट को बनाने के लिए गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ को मिक्स किया जाता था। गाइस, पहले ये जानना ज़रूरी है कि सीमेंट का इन्वेंशन 1824 में हुआ था, परंतु ताजमहल 1632 से बनना शुरू हुआ था और 1653 में बना था। तो जाहिर सी बात है कि सीमेंट से तो नहीं बना होगा। ताजमहल को लाइम मॉर्टर यानी कि चूना, रेड ब्रिक, सैंडस्टोन, मार्बल से बनाया गया था। लाइम मॉर्टर की एक खासियत होती है गाइस कि ये समय के साथ साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, जो कि लाइम मॉर्टर उस समय का सीमेंट का सब्स्टिट्यूट था। गाइस, एक बात पे आपने गौर किया होगा, ध्यान दिया होगा कि ताजमहल में लाइट यूज़ नहीं की गई है, कोई भी लाइट वहाँ पर नहीं लगी है। लेकिन क्यों? क्योंकि रात में बिना लाइट के तो कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन ताजमहल में लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो वाइट कलर जो है वो लाइट को सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए अगर रात के समय ताजमहल पर वाइट लाइट्स को डाला जाए तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा। इस रीज़न से रात में ताजमहल काफ़ी चमकेगा। इस कारण से वहाँ मौजूद कीड़े मकोड़े जो हैं वो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं और कीड़े ताज की दीवारों को गंदा करेंगे, इसीलिए ताज की सुंदरता जो है वो बिगड़ जाएगी। इस वजह से ताजमहल में कोई भी लाइट यूज़ नहीं की गई है, वो बिना लाइट की है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।